जैसा कि अपने अवध क्षेत्र की परंपरा रही है कि सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं तो देवी मैया का आवाहन करते हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको देवी पचरा सुनाते हैं। नचत आवे आवेला सवरिया हो कि आवेला सवरिया हो, झुमत आवे ना हो झुमत आवे ना, सातो बहिनी के जोड़वा हो नचत आवे ना, सातो बहिनी के जोड़वा हो नचत आवे ना। आज हमारे साथ हैं लोक गायिका प्रकृति जी। लोक गायिका के साथ साथ ये डांस भी करती हैं और ये यही नहीं पूरे मतलब देश में करती हैं अपने कार्यक्रम को, इसके अलावा ये विदेशों में भी कार्यक्रम करती हैं। तो चलिए जानते हैं प्रकृति जी से इनका ये सफ़र कैसा रहा। जाहिर सी बात है, जब आदमी अपने पैर पे खड़ा होगा तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो जब शुरू करता है तो लड़खड़ाता है अपने दम पे, तो वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रांग हो गए हैं। हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट है, परिवार वालों का पूरा पूरा सपोर्ट है, ससुराल मायके हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है। तो जब सपोर्ट मिलता है तो पावर अपने आप बढ़ जाती है, तो बस वही है और सब अच्छा हो रहा है। बाकी अभी तो फ़िलहाल थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती हैं, कहा गया अगर कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि म्यूज़िक भी एक ऐसा स्कोप है जिसमें अपनी एक पहचान बनाई जा सकती है, तो किसी की परवाह ना करो, बस आगे बढ़ो। क्योंकि अगर इसका स्कोप ना होता तो लोग इससे MA BEd और PhD क्यों करते। म्यूज़िक है इसीलिए तो लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और म्यूज़िक एक थेरेपी भी है, आदमी को रिलैक्स देता है। अगर आप बहुत परेशान हैं, कोई दिक्कत आपको है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो आप म्यूज़िक सुन के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। जी, तो अभी तक आपने इतने सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं और अलग अलग राज्य ज़िले में किया है, तो कितने आप लोगों मतलब कितने अवार्ड मिले हैं क्या? वैसे तो सम्मान बहुत ज़्यादा मिला है, सम्मान तो जितना मिले उतना कम है हम कलाकारों के लिए। बस सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, सम्मान तो अपने आप ही मिलता रहेगा। जी, तो पहला ऐसा कौन सा पुरस्कार था जिसे आपको मिला और आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस? सबसे पहला पुरस्कार मेरा स्कूल में था। हाँ, मिला था स्कूल में था, हम लोगों ने राधा कृष्ण बन के डांस किया था, आज भी याद है। राधा कृष्ण बच्चे वही करते थे पहले, छोटे मैम लोग सिखाती थी तो हम लोग वही करते थे राधा कृष्ण बन के। तो स्कूल में पुरस्कार मिला था, और हमको डायरी मिली थी जो हमने नृत्य किया था उस पर, और सिंगिंग भी किए थे तो डायरी मिली थी। स्कूल के बाद आपका जो कार्यक्रम लगा, जैसे आपने कहा था आप मतलब अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी, लेकिन आपका जो कार्यक्रम था पहला अयोध्या था, सरयू में हो शायद, तो मतलब इसके बाद जो आपको पुरस्कार मिला मतलब तो कैसा आप फील की? उसके बाद फिर मेरा कार्यक्रम जो है सैफई में लगा हुआ था, तो सैफई महोत्सव में बहुत वहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, बड़े बड़े मतलब वहाँ पे हम लोग देखे थे कि मतलब मुंबई से भी कलाकार आए थे, हीरो हीरोइन लोग भी आए थे, लेकिन हम लोग अपने अवध क्षेत्र से गए थे, तो हम लोगों को लोग सोच रहे थे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब हम लोगों ने अपने अवधि की तान छेड़ी वहाँ पे तो लोग झूम उठे। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये लोग में भी दम है, तो हम लोगों को भी वहाँ पर सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने खूब सारी तालियाँ भी बजाई थी। आपने पहला जब कार्यक्रम किया और मतलब वहाँ पे प्रस्तुत किया, लोगों की वाहवाही भी मिली होगी, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वहीं से उत्साह वर्धन होता है जब लोगों की तालियां मिलती हैं, तो जब दर्शकों ने खूब तालियां बजाई और सराहना भी की, वहीं से मेरे इस लोकगीत एवं लोक नृत्य का सफ़र अच्छे से शुरू हो गया। फिर आप एक लोक गायिका हैं, लोक गायिका में आप किस तरह से मतलब जो गाने होते हैं किस किस तरह के गाते हैं, किस प्रकार के गाने? अपने हम लोग अवध क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो अवधि गाने ही मेरा सबसे पहला प्रथम मेरा वो रहता है कि हम अवधि ही गाएं, तो इसीलिए सबसे पहले हमने चुना कि अवधि को ही, अपने अवध क्षेत्र के जितने भी गाने हैं, पुराने गाने हैं अवधि में, जैसे नकटा हो गया, सोहर हो गया, कजरी हो गया, फगुआ हो गया, और नकटौरी हो गया, बधावा हो गया, कहरवा हो गया, ये सारे अपने बहुत ही पुरानी विधा है,
इसको अब इस आजकल के बच्चे इसको नहीं गा पा रहे हैं, लोग जानते नहीं सोहर क्या होता है, नकटा क्या होता है। इसीलिए सरकार हम कलाकारों को इसके लिए काम देती है कि हम लोग इसको संजो के रखें अपने अवध की विरासत को अपने लोकगीतों के माध्यम से। सिंगिंग में देखें तो लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी लगती हैं, और अवधि में जो अपने लोकगीतों को गाती हैं शारदा सिन्हा जी और मालिनी अवस्थी जी मेरी फेवरेट है। वो दोनों लोग बहुत अच्छा गाती हैं, हम उनसे भी सीखने की बहुत कोशिश करते हैं, उनके गानों को सुनते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में अपना टाइम देने के लिए और जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जाते जाते आप यूथों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो गायक बनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, संदेश क्या देना? बिल्कुल, हम अपने आज के जनरेशन को यही कहेंगे कि भैया हाथ जोड़ के विनती है, ये जो आजकल पॉप म्यूजिक रॉक म्यूजिक फलाना ढिमाका ये तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये है एक हाँ चलो मस्ती थोड़ा सा हो गया, इस पे डीजे वगैरह पे डांस कर लिए ठीक है, लेकिन अपनी परंपरा को मत खोइए, अपने लोक संगीत की तरफ आगे बढ़िए, इसको सुनिए। आप इसको सुनेंगे, अगर यहाँ से सुनेंगे दिल से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अपनी परंपराओं में कितना दम है। एक बार हम तो कहते हैं कि एक बार आप लोग सुन के देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ अपने अवध क्षेत्र में कितने अच्छे अच्छे गीत हैं जो यहाँ को छूते हैं, एकदम दिल और दिमाग को झकझोर देते हैं, कि मतलब अगर एक बार सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ है अपने यहाँ की मिट्टी की खुशबू अलग ही है अपने यहाँ की। हाँ खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।